राजस्थान में पिछले दिनों हुए छात्र संघ चुनाव परिणामों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस का छात्र संगठन इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाया। राज्य की प्रमुख 14 यूनिवर्सिटी में NSUI को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा समर्थक माने जाने वाले ABVP 5 यूनिवर्सिटी में अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही। इस बार निर्दलियों ने ताकत दिखाकर छात्र राजनीति के बदलते तेवर से कांग्रेस भाजपा की बोलती बंद कर दी। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव। NSUI संगठन ने मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल और लाटू विधायक मुकेश भाकर के समर्थक निर्मल चौधरी की दावेदारी को दरकिनार करके महारानी कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष ऋतु बराला को मैदान में उतारा। बराला को मैदान में उतारने के बाद मंत्री की बेटी और भाकर समर्थक निर्मल चौधरी बागी हो गए। इस बगावत के बाद पूरा चुनाव निर्मल चौधरी और निहारिका जोरवाल के बीच सिमट कर रह गया। जोरवाल को अपनी जीत के लिए सामाजिक स्तर से बड़ी मदद मिली, लेकिन नामांकन के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से निर्मल चौधरी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता गया और उन्होंने मंत्री की बेटी को हराकर अध्यक्ष पद का ताज पहन लिया। यहाँ पर ABVP चौथे स्थान पर रही। जीत के बाद निर्मल के इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी कि उनके आदर्श सचिन पायलट हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर में NSUI कैंडिडेट हरेंद्र को जीत दिलाने में नाकाम रहे। यहाँ पर चौंकाते हुए SFI के अरविंद सिंह भाटी ने ABVP और NSUI को धूल चटा दी। उदयपुर बीकानेर में ABVP ने जीत हासिल की। सीकर के शेखावाटी विश्वविद्यालय में SFI ने अपना परचम फहराया। चुनाव नतीजों को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, छात्र संघ चुनाव में एक भी विश्वविद्यालय में NSUI की जीत नहीं होना इस बात का संकेत है कि राज्य का युवा मौजूदा सरकार यानी कांग्रेस सरकार से खासा नाराज है। उधर कांग्रेस में छात्र संघ चुनाव परिणामों पर चिंता जाहिर की गई है और युवाओं को फिर से संगठन से जोड़ने के लिए नई रणनीति बनाने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज़।